जो भी ब्लॉक बुलाए होंगे, मैं चाहती हूँ चेयरमैन साहिबा, क्योंकि मुझे भी पूरा यकीन है जो है तो मैं क्यों पंचायतों की प्रॉब्लम उस इन मसलों का जल्दी हल होगा। अभी इश्यूज को नोट भी किया, एक दिन में हर चीज पूरी हो जाती है। This can be changed when we are educated, then we can stand on our own feet. मैंने देखा कि according to the census of 2022, the education literacy for females about 70.33%. अभी यहाँ पे सबने बातें की कि community halls, construction work, safe drinking water. I know it's necessary, but for the development, these are all the basic necessities. But for the development, we need schools. Me as a head girl of my school, observed that girls are coming late. And what's the reason behind this? The reason is only कि गाड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है. और जो कुछ वर्ड्स मैं बोलूँगी, वो आवाज़ मेरी होगी, लेकिन अल्फाज मेरे स्कूल के टीचर्स होंगे. यहाँ पे वो तो अभी प्रेजेंट नहीं है, बट मी एज अ स्टूडेंट आई विल डिलीवर देयर वर्ड्स कि एक हाई स्कूल, सिर्फ एक हाई स्कूल, वो भी गर्ल्स हाई स्कूल नॉट अ हाई स्कूल, सिर्फ एक ही हमारे इतने बड़े ब्लॉक बटोत में है. व्हाई? अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो उसकी जो सबसे चीज, जो सबसे बुनियाद चीज है, जो सबसे नेसेसरी है, दैट इज स्कूल. अगर हमारे पास स्कूल ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? इसके बाद तो कोई फ्यूचर ही नहीं है. तो आई थिंक हमारे बटोत में एक हाई स्कूल नहीं होना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स हाई स्कूल. वी वॉन्ट हाई स्कूल, वी वॉन्ट को एजुकेशन, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल एजुकेशन. एंड फ्रॉम दिस वर्ड्स I think it's sufficient for me. तो अपनी concentration education पे दें. इसी के साथ thank you. देखिए यहाँ पे जो आज public interaction में बोलूँगा, public grievance camp हुआ उसमें रामबन में, यहाँ पे बटोत के स्थान पे, और यहाँ के जो गिरदनवा के ब्लॉक्स हैं वहाँ पे एक बड़ी तादाद में शमूलियत की, और यहाँ के चेयरपर्सन और उनके जो हमारे चुने हुए काउंसलर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन की, और ख़ासकर हमारे जो नौजवान डीसी साहब हैं उनके साथ उनकी इंतज़ामिया यहाँ पे आई. यहाँ पे बहुत सारे जो लोगों के मसाइल लेके पार्टिसिपेट किया, लोगों ने खुद भी या उनके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उन लोगों ने भी यहाँ पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी मुश्किलात को बताया. कुछ मुश्किलात तो उस एरिया की थी, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो एडवाइस थी, सुजेशंस थी, जो कि पॉलिसी लेवल पे बहुत मदद करती हैं. क्योंकि पब्लिक दरबार का जो सिलसिला है, हमारे ऑनरेबल एल जी साहब के जो निर्देश हैं कि हर ब्लॉक में, पंचायत में लोगों की जो है अफसर जाएं, लोगों की एक्सेस हो, सेक्रेटरी में बैठ के नहीं बल्कि जो सीनियर सेक्रेटरीज और बाकी ऑफिसर्स हैं वो जाएं और लोगों को सुने, उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है यहाँ की लोकल इनपुट्स लेने में, और जो पॉलिसी मेकिंग में कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ के समझ के जा रहा हूँ वो मैं उनको वहाँ पे आगे जाके ट्रांसमिट करूँगा वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, और उससे बहुत फ़ायदा होता है. तो आपने बात की एश्योरेंस की, तो सबसे बड़ा एश्योरेंस यही है कि जो लोगों की मुश्किलात हैं उनको सुना गया, और उनको जाके रेलिवेंट अफसर्स को उनके कान में डाला जाएगा, उनको सेंसिटाइज किया जाएगा, और उनको जानकारी होगी. क्योंकि एक अफसर सब चीज़ों को जानता नहीं है, एक सेक्रेटरी पूरे इलाके में उसको पॉसिबल नहीं है कि पूरी यूटी में घूमे. तो जितने भी लोग जा रहे हैं वो उनका एक बाजू है, उनके कान हैं उन सेक्रेटरीज के या सरकार के. तो सबसे बड़ी तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है कि जिस तरह के डेप्थ डेमोक्रेसी को मिली और अफसरों का जाना भी एक यकीनी बनाया गया.
दूसरा, आज के पब्लिक कैंप में सबसे मैं समझता हूँ कि बटोत की रिवाइवल के लिए या इसकी जो लेगेसी रही है, यहाँ की हेरिटेज रही है और यह एक इकोनॉमिक सेंटर रहा है, उस पर बात हुई और लोगों ने बड़े अच्छे सुझाव दिए और उस पर काफ़ी काम हो भी रहा है। जैसे यहाँ की केबल कार और दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले चंद सालों में और आगे भी हो रही हैं, लेकिन कुछ और अच्छे ऐसे सुझाव आए जिनको कि जिनपे कंसिड्रेशन हो सकती है, ताकि यहाँ की जो डेवलपमेंट है बटोत कस्बे की और जो इसके आसपास के इलाके हैं, जिसका कि मेजर इकोनॉमिक सेंटर है और हमारी जम्मू कश्मीर का एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट है कश्मीर जाने के लिए, तो पूरे मुल्क और दुनिया के लोग यहाँ से गुजरते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि वो एक आज का जो हमें एक डेवलपमेंट और कामयाबी है। दूसरे, यहाँ की जो बिजली, पानी, रोड्स को लेके, स्कूल्स को लेके बात हुई और मेडिकल शोबे में और क्या क्या यहाँ पे यहाँ के हेल्थ सेंटर को ज़रूरत है, उस पर भी जानकारी मिली। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि जो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उस पर बड़ी खुल के बात हुई, लोगों ने अपने सुझाव दिए और मैं बड़ा मुतमईन हूँ इस चीज़ को समझ के कि यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूस है, चाहे वो अखरोट हो, अनारदाना हो या हैंडलूम के प्रोडक्ट्स हों, उनमें वो काफ़ी बढ़ोतरी मिल रही है, उनकी प्रमोशन हो रही है। अब इसकी मार्केटिंग का एक जो इशू है उस पर बात हुई और किस तरह से मार्केटिंग को अश्योर किया जाएगा, उस पर डीसी साहब और सब लोग बैठ के और जो महकमा है हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम, इस पर काम करेगा। सर, मेजर प्रॉब्लम तो ये पॉजिटिव स्टाफ और फंड्स की है। देखिए, फंड्स की कोई पॉजिटिव नहीं है। फंड्स मैं समझता हूँ कि जो फंड फ्लो है वो अब कई गुना बढ़ा है। अब फंड्स सही तरह से लगे उसको भी यकीनी बनाना है। आप चाहे पावर का, आपको सिर्फ एक छोटा सा मैं एक उदाहरण दूंगा, हमारे हाउसेज हैं हमारे लो इनकम ग्रुप्स के लिए जो पीएमएवाई स्कीम है, तो दो दो तीन तीन घर थे, आज वो 300-350 घरों का नंबर हुआ है। पहली बात तो ये है, तो फंड्स की कोई कमी नहीं है, इसके मैं बिल्कुल आपको अश्योर करता हूँ। हाँ, स्टाफ की कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन एसएसबी ने बहुत एक तेज़ी से काम करते हुए लगभग 5,000 हमारी वैकेंसीज अलग अलग इम्पॉर्टेंट महकमों की, चाहे वो पुलिस में हो, हमारी इंजीनियरिंग विंग हो, हमारा रूरल डेवलपमेंट हो, हमारा रेवेन्यू हो, उसकी भर्ती जो है वो काफ़ी ख़त्म हो चुकी है, लिस्ट नोटिफाई हो चुकी है, कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि मार्च तक इसको यकीनी बनाएंगे कि 4,500 से 5,000 लोग जो हैं वो भर्ती होकर तैनाती हो जाए। ये एक बाकी जगह पे भी और रामबन ज़िले और बटोत को भी इसका फ़ायदा मिलेगा, तो काम जो है फिर और शिद्दत से होगा। अब काम सबसे यकीनी करना है कि जो काम है उस पर मॉनिटरिंग हो, जल शक्ति में जो काम हो रहे हो उस पर यकीन करना है कि वो सही तरह से हो, ताकि आज जो पैसा लग रहा है वो कल लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। और मैं इस चीज़ को, मेरी अपील होगी सारे यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है, सीनियर लोग हैं और चुने हुए नुमाइंदे और जो सोशल स्पिरिटेड, पब्लिक स्पिरिटेड लोग हैं, कि वो इस पर नज़र रखें सब चीज़ों पे और बताएं उनको, और कई कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है वो भी, उसको भी यकीनी करें। तो ये मेरी अपील होगी। और यहाँ की जो जिस तरह की आबोहवा है, जिस तरह का यहाँ का आसपास की जो प्रोडक्शन है, चाहे वो अनारदाना हो, अखरोट हो, उस पर मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम होना चाहिए कि लोकल प्रोड्यूस को अच्छी तरह से मार्केट हो सके, सेल हो सके, चाहे रामबन में या बाहर जाके, कि यहाँ के जो हमारे नौजवान साथी हैं उनको रोज़गार मिले और उनकी आमदनी बढ़े। सर, यहाँ पर 2 साल पहले एक पर्वतमाला बजट में पर्वतमाला चली थी स्कीम, वो केबल कार ऐसी जो है ना, ऐसी प्रोड्यूसर के ऊपर, तो उसके तहत यहाँ पर बड़ा काम हो सकता है उसका। बिल्कुल, आपने जो चीज़ बताई उस पर कुछ कंसेप्चुलाइज भी हुआ है, काम भी हुआ है और आज के इस पब्लिक मीटिंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी रहा कि लोगों ने इस पॉइंट को यहाँ पे लोगों ने उठाया जो यहाँ पे आए थे, और उस इनपुट के बेस पे यहाँ के इंजीनियर्स उस पर काम करेंगे। ठीक है।